विशाल भारद्वाज की फिल्म कमीने 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहिद कपूर अहम रोल में थे। इस फिल्म से शाहिद कपूर सिर्फ एक चॉकलेट बॉय न रहकर एक दमदार अभिनेता के रूप में उभर कर आए थे। 12 साल पहले जब फिल्म कमीने की घोषणा हुई थी, उस वक्त इसके टाइटल पर काफी विवाद हुआ था। लोग कह रहे थे, बताओ डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने एक गाली को फिल्म का टाइटल दे दिया, जिस पर इस फिल्म के गाने लिखने वाले गुलजार साहब ने बयान दिया था कि कमीने गाली नहीं बल्कि प्यार दर्शाने वाला शब्द है। वहीं 23 अगस्त 2021 यानी आज विशाल भारद्वाज ने अपनी नई फिल्म की घोषणा की है, जिसका टाइटल सुनकर आपको लगेगा मानो अपनी फिल्मोग्राफी के विशाल साहब प्यार दर्शाने वाले शब्दों का अलग ही मतलब निकाल रखे। जी हाँ, विशाल भारद्वाज की नई फिल्म आने वाली, जिसका नाम है कुत्ते। नाम सुनकर जहन में सबसे पहले आपको गाली का ख्याल आया होगा, है ना इंटरेस्टिंग। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज इस फिल्म की घोषणा करते हुए ट्विटर पर लिखते हैं, ना ये भौंकते हैं ना गुर्राते हैं, बस काटते हैं, प्रस्तुत है कुत्ते। वहीं आपको बता दें कि फिल्म कुत्ते में अभिनेता अर्जुन कपूर, कोंकणा सेन शर्मा, नसीरुद्दीन शाह, तब्बू का नाम कास्ट लिस्ट में है। फिल्म आर्टिकल 15 सुल्तान वाले कुमुद मिश्रा भी फिल्म में है। मर्द को दर्द नहीं होता से डेब्यू करने वाली और 2 साल पहले विशाल भारद्वाज के साथ पटाका में काम कर चुकी राधिका मदान भी फिल्म कुत्ते का हिस्सा है। इसके अलावा एक्टर शार्दुल भारद्वाज भी फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म कुत्ते को विशाल भारद्वाज के सुपुत्र आसमान भारद्वाज डायरेक्ट कर रहे हैं। ये आसमान का डायरेक्टोरियल डेब्यू है। इस फिल्म को आसमान ने अपने पिता विशाल भारद्वाज के साथ मिलकर लिखा है। फिल्म कुत्ते अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है। फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू होने की सूचना है। फिल्म को प्यार का पंचनामा मेकर लव रंजन, विशाल, उनकी पत्नी रेखा भारद्वाज और टी सीरीज वाले भूषण कुमार मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।